आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज़। हो गई है पीर पर्वत की पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा करना मेरा मकसद नहीं है, मेरी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो मेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। कुछ इस तरह के डायलॉग के साथ इंदौर शहर में मध्य प्रदेश पटवारी संघ जिला इंदौर के तत्वाधान में पटवारियों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से अपनी मांगों को लेकर अनूठा विरोध प्रदर्शन किया। इस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से मध्य प्रदेश के पटवारियों के कार्यों, वेतन मान, पदोन्नति, वेतन विसंगति भत्ते एवं बिना संसाधनों के कार्य करने की रोजमर्रा में होने वाली समस्याओं और घटनाओं पर आधारित एक ध्यानाकर्षण प्रस्तुत की गई। मध्य प्रदेश पटवारी संघ जिला इंदौर के अध्यक्ष मनोज परिहार ने बताया कि इस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से पटवारी की कार्यशैली और समस्या के बारे में सभी को अवगत कराया गया। साथ ही यह बताने की कोशिश की गई कि कम वेतनमान और बिना साधन संसाधन के पटवारी कितना काम करता है, कितने टेंशन में रहता है और कैसे शासन और प्रशासन पटवारी का शोषण कर रहे हैं। आज पटवारी संघ की कलम बंद आंदोलन के 19वें दिन इंदौर के कलेक्टर कार्यालय के सामने गंजी कंपाउंड पर पटवारियों ने तहसीलदार, कृषक, पटवारी नेता एवं अन्य किरदारों के रूप में जोरदार प्रस्तुति दी। इस दौरान पूनम मारू, दिव्या नायक, लाल सिंह जामले, नेहा भाटिया, नीरज पटेल, चेतन उपाध्याय, सुमित डाबर, प्रशांत तिवारी, मनीषा मालवीय, सुधीर मालवीय, नवीन वर्मा, शिखा शाह, धर्मेंद्र शर्मा, कमल पटेल, दिव्या नामदेव, सुंदरलाल वैष्णव, उमा राय सहित अन्य सभी पटवारी साथियों ने नाटक में अपना प्रस्तुतिकरण दिया। प्रदेश पटवारी संघ द्वारा नुक्कड़ नाटक पट्टी बात हमने इसमें रखी है। सारे पटवारी किस कार्यशैली से काम करते हैं, कैसे करते हैं, वो अपना कार्य को अंजाम देते हैं। गांव में नेट नहीं चलता है, फिर भी ऑनलाइन, फिर भी अमल दरामद के लिए दबाव आता है। कैसे पटवारी जो एक्सीडेंट के अंदर जीवन त्याग चुकी है, उसके ऊपर हमने उसको इस नुक्कड़ नाटक के तहत बताया है कि हमारे कई पटवारी समा चुके हैं। अर्जेंसी सभी चीज की अर्जेंसी रहती है, अधिकारियों को, शासन को, प्रशासन को। अर्जेंसी के अंतर्गत 20 किलोमीटर दूर रहता है पटवारी, मगर तत्काल शब्द जो हमारे लिए सबसे मुसीबत का कारण बना है, जो अधिकारी अधिकतर यूज करते हैं, तत्काल एक व्हाट्सएप पे लिख देते हैं तत्काल, तो सारे पटवारी इधर से उधर भागते रहते हैं। उस चीज को दर्शाने के लिए आज हमारे द्वारा, मध्य प्रदेश पटवारी संघ द्वारा इस नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया है। पटवारी संघ द्वारा लगातार जो है अपनी मांगों को लेकर हड़ताल की जा रही है। आज हम देख रहे हैं कि अनूठा विरोध प्रदर्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक नुक्कड़ नाटक का आयोजन आप लोगों के माध्यम से हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का नुक्कड़ नाटक खेला जा रहा है सरकार को जागरूक करने के लिए इस मामले में? हमारे नुक्कड़ आज का आयोजन मुख्य रूप से ये है कि पटवारियों को समस्या को बताना, पटवारी किस प्रकार से कार्य करता है और किस प्रकार से अधिकारियों का जवाब मिलता है, और कोई भी परिस्थिति में पटवारी कार्य करने के लिए तैयार रहता है। इस नुक्कड़ नाटक का माध्यम जो है दिखाने का क्यों नहीं। आज हमारी हड़ताल को लगातार 19 दिन हो गए हैं, पर सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की गई है, ना ही हमारी मांगों को सुना गया है। और जब तक हमारी मांगों को नहीं सुना जाता है, जब तक हमारी अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी और हम तरह तरह के नए नए आयाम पेश करते रहेंगे और हमारा विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। यहाँ पे देखा गया कुछ लोग किसान के किरदार में दिखाई दे रहे हैं, कोई ग्रामीण के, कोई सिंचाई संगठना के, कोई पटवारी के, कोई नेताजी के, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का नाटक रहेगा ये? नाटक में ये है कि जैसे किसान हमसे क्या कहता है, एक ग्रामीण की हमसे क्या उम्मीद होती है, हम लोग क्या काम करते हैं, इस नाटक के पात्रों के माध्यम से हम वही दर्शाना चाहते हैं। जी, लगातार 19 दिन हड़ताल को हो गए हैं, सरकार ने अभी तक किसी भी प्रकार का कोई कदम उठाया या कोई चर्चा हुई है सकारात्मक? नहीं, अभी जो प्रमुख सचिव महोदय निकुंज श्रीवास्तव जी वो छुट्टी पे गए हैं, उनके बाद आने के बाद में शायद हमारी मांगों पर कुछ विचार किया जाना प्रस्तावित है। अभी हड़ताल आपकी कब तक जारी रहेगी? अभी तो अनिश्चितकालीन हड़ताल है, जब तक कुछ निराकरण नहीं होता जब तक चलती रहेगी। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज।